हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आपके प्यार और आपकी दुआ से हम सभी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ एक गलतफहमी दूर करने के लिए बना रहा हूँ। भी कुछ लोगों को स्टडी वीज़ा को लेकर ना कुछ गलतफहमी है, तो मैं सिर्फ उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ भी, क्योंकि उसके चलते ना वो प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा जो पॉसिबल नहीं है ना, जिसमें उनको आगे जाके निराशा हाथ लग सकती है। तो आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, है ना। देखो, जो स्टडी वीजा होता है या स्टूडेंट वीजा बोलते हैं जिसको, उसमें होता क्या है, सबसे बेसिक चीज क्या होती है। अच्छा, इसका प्रोसीजर मैंने अपनी पुरानी वीडियोज वगैरह में भी डिस्कस कर रखा है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो मैं आपको एक हल्का सा एक समृद्धि देता हूँ कि करना क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर चाहिए। ऑफर लेटर आपको मिलेगा कैसे? आपको ऑफर लेटर मंगवाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप क्या करोगे भी, आप उनको अपनी सारी डिटेल भेजोगे भी, मैंने ये किया, मैंने वो फलाना दिखाना। वो उसकी फीस भी हो सकती है, वो फ्री भी हो, कहीं का कम फीस होती है, कमी होती है, ज्यादा कोई फिक्स नहीं है कुछ। हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का अलग सीन रहता है। तो सपोज करो आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऑफर लेटर क्या होता है भी, वो आपको ऑफर करते हैं भी, आओ हमारी यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स कर लो, ऑफर करते हैं, पर उनकी कंडीशंस होती हैं। अब ऑफर लेटर का क्या होता है भी, आपको ऑफर लेटर आ गया सपोज करो, वो अच्छा ऑफर लेटर अप्लाई करते टाइम आप ये एकेडमिक से रिलेटेड आप हर चीजें मेंशन कर दोगे भी ये एकेडमी है, क्योंकि देखो दोनों चीजों को मिक्स मत करना। ऑफर लेटर देती है यूनिवर्सिटी, वीजा देती है इमिग्रेशन, दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स मत करो। क्योंकि ऑफर लेटर लेने के लिए आपको अपना एकेडमी का सारा हिसाब किताब दिखाना पड़ेगा, भी मेरी फीस इतनी है क्योंकि यूनिवर्सिटी को जाएगी फीस, मेरे आईलेट्स के बैंड इतने हैं, वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी, मेरा पुरा स्टडी का मान लो सपोज करो आपको मास्टर्स जानी है, मेरी ग्रेजुएशन ये सीन है, मेरे इतने CGPA बन रही है, जो भी आपका हिसाब किताब वो अकेडमी का वाला वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी। ठीक है जी, उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया, अब आपका यूनिवर्सिटी का काम खत्म हो गया, डन है जी। अब क्या करना है आपको, अब आपको वीजा अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ऑफर लेटर चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे ना, क्योंकि जो वीजा देगी इमिग्रेशन उसके लिए यूनिवर्सिटी का अप्रूवल जरूरी है भी, भाई जहां पढ़ने आ रहे हो वो आपको अलाउ कर रही है भी मेरे पास आके पढ़ो या ना पढ़ो। तो एक तो ये चीज है भी, आपको ऑफर लेटर चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं जाके बता के आगे मैं आपको बताता हूँ भी लोग गलती क्या करती है, वो है आपका फंड, जो है आपके लिविंग एक्सपेंसेस। फीस की बात नहीं कर रहा मैं, फीस अलग चीज है। फीस में क्या आता है भी, वो तो आपने यूनिवर्सिटी में भर दी, वो तो फिक्स है, वो तो भरनी ही है आपको, या जो आपको फंड दिखाना पड़ता है, मतलब एक साल का जो भरना पड़ता है, बैंक में जमा कराना पड़ता है, वो अलग है। सपोज करो आपकी स्टडी दो साल की है, आप दो साल की फीस थोड़ी भर के आओगे, आप एक साल की फीस भर के आओगे, एक साल का फंड दिखा दोगे भी मैंने, मेरे पास ये फंड है, या आपने बैंक में जमा करवा दिया। नेक्स्ट ईयर का कैसे करोगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्या सीन है भी, जितने साल का आपका कोर्स होता है उतने साल के लिए आपको फंड दिखाना पड़ता है। इस बात को आप पल्ले बांध लो भी, इसका क्या सी मतलब है, वो फंड दिखाना पड़ेगा जितने साल की आपकी एजुकेशन है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो आपकी स्टडी है दो साल की, तो आपने किया आपने एक साल की फीस भर दी, एक साल का आपने जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस था $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से आपने अपने मतलब जो भी वहां पे अकाउंट दिखा दिया, अभी मेरे अकाउंट में इतने, मतलब वो है प्रोसीजर, तो वही आपके इधर ट्रांसफर हो जाता है, फिर मंथली आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर करते रहते हैं, वो मैं आपको किसी फिर प्रोसीजर बता दूंगा। $20,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर है, तो वो आपने एक साल का फीस भर दी और एक साल का आपने अपने बैंक में जमा करवा दिया। जो अगला साल है, जो लास्ट ईयर आपका सेकेंड ईयर है जो, उसका आपको फीस प्लस उसका $20,000 फंड, वो आपको उसका कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा भी, मेरे पास ये देखो जी, मेरे पास ये FD है, मेरे पास फलाने, मतलब मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, मतलब आपको फंड का प्रूफ देना पड़ेगा। मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा भी, मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ, मैं अपनी फीस भी भर सकता हूँ, मैं अपना अगर कल को मुझे काम नहीं मिलता मैं फिर भी अपना सर्वाइव कर सकता हूँ, तो वो इसलिए फंड दिखाना जरूरी है। अब आते हैं गलतफहमी में भी। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी ये है भी, कुछ लोगों को लगता है भी हम एक बार अगर न्यूजीलैंड में पहुंच गए, चाहे वो विजिटर वीजा पे हैं, चाहे वो आपके इवन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वाले, मैं क्योंकि स्पेशली बात कर रहा हूँ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वालों की, क्योंकि उनके मन में ये आ रहा है भी हम यहाँ पे स्टडी वीजा ले लेंगे, हम स्टडी अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि एक्रेडिटेड वालों को क्या है भी, जहां पे वो मतलब जो उनको काम दे रहा है
वो उसी फर्म में काम कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मतलब कोई काम दे रहा तो बहुत कम पैसे देता है ना। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आपके पास जेन्युइन वीजा ही नहीं है तो वो दिक्कत आती है। तब उनको लग रहा है हम स्टडी ले लेते हैं एक साल की, फिर उसके स्टडी लेने के बाद हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा, फिर ऐसे आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको एक साल की स्टडी भी लेनी है तो फीस तो जो भी जब कोर्स लोगे उसकी फीस तो भरनी भरनी है, प्लस उस एक साल के लिए आपको फंड भी दिखाना पड़ेगा $20,000। अब उनको उनकी गलतफहमी क्या है, अभी हम न्यूजीलैंड में है हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, सपोज करो आपकी आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको 6 महीने का स्टडी का एक्सटेंशन लेना पड़ गया। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आपकी 2 साल की स्टडी थी, इसी रीजन से आपको 6 महीने एक्सटेंशन लेना पड़ गया, तो वो जो 6 महीने आप एक्सटेंशन ले रहे हो तो उसकी फीस प्लस के लिए भी आपको फंड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आप कहां रहते, उनके लिए जरूरी है भी आपके पास प्रॉपर एडुकेट फंड हो ताकि आप इस कंट्री में आके सर्वाइव कर सको, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। तो ये बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालो, भी आप कहीं पे भी रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास फंड होने जरूरी हैं अगर आप स्टडी वीजा या स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो। जितने साल का कर रहे हो उतने साल के फंड दिखाने पड़ेंगे। फंड आप कैसे दिखा रखे हो वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा रखा है, आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करके देख सकते हो, वीडियोस में आपको मिल जाएगा सारा इसके रिगार्डिंग सारी वीडियोस। पर मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी टच में 2-3 बंदे ऐसे आए हैं, वो बेचारे एक्रेडिटेड वर्क वीजा पे आए थे, पर अभी मतलब क्योंकि आपको पता ही उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, जॉब प्रॉपर मिल नहीं रही, तो उनके मन में ये आ रहा था भी हम स्टडी वीजा ले लेते हैं फिर उसके बाद हमारा रास्ता इजी हो जाएगा। पर जब मेरे उनसे बात हुई तो मैंने उनको समझाया भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा का मतलब ये नहीं है भी हो ही नहीं सकता, अगर आपके पास फंड है तो हो जाएगा। हाँ ये है भी आपका, अगर आपके पास फंड है तो वीजा आपके इजी हो क्योंकि आप पहले ही यहाँ पे हो, तो ज्यादा चीजें की दिक्कत नहीं आएगी, पर हाँ फंड तो दिखाना पड़ेगा अगर आपको स्टडी वीजा लेना है। अब सिंपल सा लॉजिक देखो ना, आपने फीस भर दी पढ़ने के लिए, पर आप रहोगे तो सही ना, अगर आपके पास फंड नहीं है, सपोज करो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास फंड नहीं है तो आप कहां पे प्रॉपर जॉब करते हो वो दिखाना पड़ेगा, भी ये लॉजी मैं प्रॉपर जॉब करता हूँ, ये मेरा जॉब ऑफर है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, वो दिखा दो। पर अगर आपके पास प्रॉपर जॉब ऑफर होगा ही नहीं क्योंकि आपके पास आप एलिजिबल नहीं हो प्रॉपर जॉब करने के लिए, अगर आप कैश में जॉब कर रहे हो वो काउंट नहीं होगी, तो ये सारी चीजें हैं। तो फंड जरूरी है अगर आप कहीं से भी, चाहे इंडिया से अप्लाई कर रहे हो चाहे न्यूजीलैंड में आगे स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हो, फंड दिखाना जरूरी है, जितने साल का उतने साल का फंड, ठीक है जी। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई आपको लग रहा है यार ये चीज समझ में नहीं आई भी इसमें कैसे होगा वैसे कैसे होगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। बाकी आप हमारी वीडियो को ऐसी लाइक करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, आसपास सफाई रखो, एक दूसरे की हेल्प करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।